बाबूलाल मरांडी ये क्यों नहीं कहता कि सुदेश माते ने भी लूटा था, सुदेश माते को जेल भेजो। बाबूलाल मरांडी ये क्यों नहीं बोलता है कि रघुवर दास ने भी लूटा, रघुवर दास को भी भेजो। आज अपनी पार्टी की वाहवाही करती है, ये वही पार्टी है जो कई सारे घोटालों का उजागर नहीं करके ऐसे बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी की सरकार सिर्फ उन लोगों पे टारगेट करती है जो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। आप जितना भी जोर लगा लीजिए, लेकिन हमें ये पता है कि अगर आप सही होंगे तो जनता आपके साथ जाएगी, लेकिन आप गलत होंगे तो जनता आपको हमेशा नकारेगी। क्योंकि हेमंत सोरेन को अगर आपने टारगेट किया है तो सिर्फ आप हेमंत सोरेन को टारगेट मत कीजिए, इसमें सुदेश महतो को भी टारगेट कीजिए, निशिकांत दुबे को भी टारगेट कीजिए, और जितने भी आपके अंदर के जितने भी राजनीतिक। आज अर्जुन मुंडा केंद्र में बैठा हुआ है एक मंत्री बन के। अगर देखा जाए जो पूर्व में हमारे जो झारखंड के रघुवर दास जो यहाँ के सीएम थे, उस वक्त भी काफी सारे घोटाले हुए थे, और उस उन पे क्यों नहीं जांच किया जा रहा है। जोहार, अभी झारखंड के जमशेदपुर में अभी हम मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह 31 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। 8.5 एकड़ जमीन उन पर लगा है, कुछ घोटाले का आरोप लगा है। तो इस पर बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कश्यप जी हैं हमारे साथ, ये क्या सोचते हैं इन सब के बारे में, इनसे आज जानना। सभी को जोहार। जैसे कि जो बीते गए दिनों में जो ईडी का कई बार संबंध भेजा गया हेमंत सोरेन सरकार को, और जिसमें ये देखा जा रहा है कि चले ठीक है, आप जो ईडी का उपयोग करके आप उस उजागर करना चाहते हैं जिस तरह से घोटाला हो रहा है, या किसी तरह का मतलब जो फर्जीवाड़ा किया गया है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक आदिवासी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या आपके पार्टी में सब दूध के धुले हुए हैं? अगर देखा जाए आज अर्जुन मुंडा केंद्र में बैठा हुआ है एक मंत्री बन के। अगर देखा जाए जो पूर्व में हमारे जो झारखंड के रघुवर दास जो यहाँ के सीएम थे, उस वक्त भी काफ़ी सारे घोटाले हुए थे, और उस उन पे क्यों नहीं जांच किया जा रहा है? आज उनको का राज्यपाल बना दिया गया, इसका मतलब कि साफ साफ दिख रहा है कि जो चोर होगा वो बीजेपी के लोग रहेंगे बड़े बड़े अहदे में, और उन पे किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो ये साफ साफ हमको दिख रहा है कि इनको खल रही है आदिवासियों की सरकार, और कहते हैं कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाया जा रहा है, जो कि ये सरासर गलत है। और आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और आप देखा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आप अपने सत्ता के आड़ में चूर हो चुके हैं, और एक भोले भाले जनता को ये दिखला के ये बतलाना चाहते हैं कि देखिए आपके नेता कितना भ्रष्ट है। तो भैया आपके जो पार्टी में लोग हैं, और जितने भी जैसे आजसू के सुदेश महतो का ही ले लेते हैं, सुदेश महतो क्या दूध का धुला हुआ है? उन पे भी ईडी का जांच कीजिए। फिर उसके बाद आपका आप ही के पार्टी का निशिकांत दुबे का, वो क्या दूध का धुला हुआ है? उन पे भी ईडी का जांच कीजिए। ऐसे कई ऐसे नेता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आप सिर्फ जेएमएम को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं झारखंड में? आप अपने पार्टी के लोगों पर ईडी का प्रयोग करें, आप अपने जो आपके साथ गठबंधन में आजसू के साथ आप ये ईडी का प्रयोग करें, हम स्वागत करते हैं, हम खुद सहयोग करेंगे। लेकिन आप सिर्फ एक आदिवासी पार्टी को जेएमएम को आप टारगेट करके ये दिखलाना चाह रहे हैं कि देख लो आदिवासियों, ये तुम्हारा पार्टी है जो तुम्हारे ही घर में रह के तुमसे वोट लेता है और तुमको तुमसे चोरी करता है, तुम्हारे जमीन को हड़पता है। तो पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आदिवासियों का जमीन सिर्फ 8 एकड़ 8.5 एकड़ नहीं है, कई एकड़ों जमीन है, जिसका मतलब कि जितने भी आदिवासियों के पास एकड़ों जमीन है उन पर भी ईडी जांच करवा देंगे। ये सरासर देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोकतंत्र का हनन हो रहा है, और संविधान का भी हनन हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक ये सिद्ध हो चुका है कि जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार सिर्फ उन लोगों पे टारगेट करती है जो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। आप जितना भी जोर लगा लीजिए, लेकिन हमें ये पता है कि अगर आप सही होंगे तो जनता आपके साथ जाएगी, लेकिन आप गलत होंगे तो जनता आपको हमेशा नकारेगी। क्योंकि हेमंत सोरेन को अगर आपने टारगेट किया है तो सिर्फ आप हेमंत सोरेन को टारगेट मत कीजिए, इसमें सुदेश महतो को भी टारगेट कीजिए, निशिकांत दुबे को भी टारगेट कीजिए, और जितने भी आपके अंदर के जितने भी राजनीतिक पार्टी है, जितने भी आपके
नेता लोग हैं उनके भी टारगेट कीजिए। क्या वो लोग के पास में जो आज पैसा है, क्या बाप दादा के घर से आया है? हाँ, इतना कोयला का खान से जो पैसा निकला है, क्या सिर्फ जेएमएम वालों को टारगेट करते हैं आप लोग? यहाँ के क्षेत्र पार्टी को टारगेट करते हैं? इससे साफ मंसूबा पता चल चुका है कि ये लोग कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ के आदिवासी सरकार टिके और आदिवासियों को यहाँ पे कोई अधिकार मिले। ये अब सब क्लियर हो चुका है कि ये लोगों की मंशा और ये जो पार्टी बनी है बीजेपी की पार्टी सत्ताधारी जो बन के यहाँ पे जनता को बेवकूफ़ बना रही है और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि लूटोगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल मरांडी ये क्यों नहीं कहता कि सुदेश महतो ने भी लूटा था, सुदेश महतो को जेल भेजो? बाबूलाल मरांडी ये क्यों नहीं बोलता है कि रघुवर दास ने भी लूटा, रघुवर दास को भी भेजो? आज अपनी पार्टी की वाहवाही करती है, ये वही पार्टी है जो कई सारे घोटालों का उजागर नहीं करके ऐसे लोगों को टारगेट करती है जैसे कि हम लोग मतलब कोई गाजर मूली है। हाँ, और पहला चीज ये बता दे कि बाबूलाल व्यक्ति जो बोल रहे हैं आदिवासी अपने आप को समझता है, वो आदिवासी है ही नहीं। आज ये बीजेपी में जाके बीजेपी की गुणगान गाता है। मैं किसी विशेष पार्टी को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, बस यही बोलना चाहता हूँ कि बाबूलाल जी आप जैसे हेमंत को बोल रहे हैं कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो भैया आपके पार्टी में भी कोई दूध के धुले हुए लोग नहीं है। सारे के सारे को अगर जांच कर दिया जाए, सही रूप से जांच किया जाए, तो इन लोगों को भी ईडी के द्वारा जेल का हवाला खाना पड़ेगा। तो ईडी के द्वारा जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8.5 एकड़ जमीन के बाबत उन्हें आरोपी बनाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि पूरे झारखंड में या फिर पूरे भारत में ही जितने भी जमीन के इस तरह का घोटाला हो रहा है, जमीन का खरीद बिक्री चल रहा है अवैध रूप से, क्या उन पर भी जाँच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जितना भी घोटाला हो रहा है और जितने भी अफसर सम्मिलित है उन पर जाँच होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ ये बोलते हैं कि सिर्फ सीएम अगर यहाँ के जो सीएम सम्मिलित है, तो मुझे लगता है अधिकारी भी सम्मिलित है इसमें, अधिकारी भी उतना ही दोषी है। और अधिकारी के साथ पूर्व में जो सरकार थी उन पे भी जांच होना चाहिए और ये जांच होना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि जांच नहीं होगा तो सिर्फ आप एक आदमी को ईडी के जांच में नहीं, घेरे में नहीं डाल सकते हो। बिल्कुल, जैसे हम देखें कि यहाँ टाटा है और भी कई सारे कंपनी है, उन पर जांच क्यों नहीं बढ़ रही, उन पर होना चाहिए कि नहीं? देखिए, टाटा कंपनी जितने भी आप कंपनी देख रहे हो इन पे भी जांच होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा सीएनटी जमीन पे ये लोग बना के रखे हुए हैं, क्या आदिवासियों को कितना ये लोग दिया सीएसआर फंड से लेके, इसका देखा जाए और जितना भी यहाँ के लोगों के लिए सुविधा देना चाहिए और जितने भी सरकार को झारखंड सरकार को टैक्स देती है वो टैक्स भी शायद चोरी करके लोग रखे हुए हैं। तो मैं ये बोलना जरूर चाहूँगा कि टाटा कंपनी में भी ईडी का छापा पड़ना चाहिए और जितने भी कंपनी है अगल बगल में, जितने भी व्यवसायी बड़े बड़े कंपनी है उन पे भी ईडी का छापा पड़ना चाहिए। तो अब किस तरह, आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप किस तरह झारखंड को देखते हैं? जैसे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ राज कर रहा था, उस वक्त जमीन के यहाँ हेराफेरी होता था या नहीं? देखिए, जमीन का हेराफेरी का बात तो हम देखिए साफ बोल देंगे कि जमीन का लूट ऐसा कुछ अगर लूट हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें बाहरियों का भी हाथ रहा है। और ये चीज़ कहना गलत होगा कि ये जमीनी पार्टी है और जमीनी पार्टी कभी भी हमारे लोगों को नुकसान नहीं करता, ये सिर्फ फंसाने का काम किया जा रहा है। अगर सत्यापित कर सकते हैं तो ये चीज़ क्लियर है कि जो जिस चीज़ में फंसाया गया है हेमंत सोरेन को, तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि सिर्फ 8.5 एकड़ जमीन ही नहीं, क्योंकि ऐसे आदिवासियों के पास 8.5 एकड़ कहीं ज़्यादा पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये पूर्वजों का देन है और ये आदिवासियों का जमीन का है। और आप जो बोल रहे हो कि आदिवासियों का जो ये दुश्मन बन चुका है, तो ये गलत कहना होगा, क्योंकि जमीनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी और जमीन का जो बात बोल रहे हैं, तो वो जमीन सीधा साफ बोल देंगे कि ये सिर्फ फंसाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। क्यों फंसाना चाहेगा उन्हें? फंसाने का एक ही रीज़न है, या तो आप बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आ जाओ तो हम आपको साफ साफ करियर करके निकाल देंगे। और साफ सीधा लग रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति को टारगेट करके पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, झारखंड में आदिवासियों की छवि को धूमिल किया जा रहा है। अगर यही करना है तो आपके पार्टी में जितने लोग हैं उन पे भी ईडी जांच कीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने अभी दिनकर को सुना, दिनकर का छप, और इसके साथ साथ आपने अभी ट्रेंड में चल रहा है एक है सुधीर चौधरी, आप उन्होंने आदिवासियों को कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? देखिए, वो पत्रकार महोदय शायद हो सकते हैं उलुल जुलुल बात जो किया है ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि
आप हम आदिवासियों को, आपने एक सीएम को नहीं एक आदिवासी को गाली बका है। इसके लिए आज हम लोग पूरे बिरसा सेना के लोग एकजुट होके हम लोग एसटीएससी थाना में जाके इनके खिलाफ में फायर करने जा रहे हैं और उनको ये आगाह कर देते हैं कि जिस तरह से आप हमारे आदिवासी होने का आपने अपमान किया है, आप हमें जंगल के लोग बोलते हैं, तो एक चीज उनको मैं बतला दूं कि ये जंगल के लोग ही है जो प्रकृति को बचा कर रखे हुए हैं, ये जंगल के लोग हैं जो खनिज संपदा को प्यार करते हैं, ये जंगल के लोग हैं जो वहाँ के जीव जंतु से प्यार करते हैं। आप लोग जैसे लोग विकास के नाम पे पूरे जल जंगल जमीन को काट देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहा जाए तो हसदेव जंगल जो आज अडानी के हाथ में दे दिया गया है वहाँ का कोयला निकालने के लिए, उसमें जो क्या सतीश चौधरी जी, उनकी मुंह क्यों नहीं खुल रही है? आज एक सीएम को अगर वो बोलते हैं कि जेट प्लेन में चल रहा है तो ये सरकारी सुविधा दिया गया है उनको, मतलब उनको साफ साफ दिख रहा है कि आदिवासी जेट प्लेन में चले तो उनका पेट में हजम नहीं हो रहा, मतलब आप चाहते हो कि आदिवासी पैदल चले नंगा घूमे। तो मैं आपको सूचित करने जाता हूँ, जितने भी पत्रकार है, जितने भी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया और जो सीधा सा बात है कि चमचा मीडिया, लोगों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से आदिवासियों को लज्जित कर रहे हो, जिस तरह से आदिवासियों को आप मतलब गुमराह कर रहे हो, आदिवासियों को शर्मसार कर रहे हो, तो इसका भुगतान भुगतना होगा। और आज हम लोग शाम में एसटीएससी थाना बिरसा नगर पे हम लोग उनके खिलाफ में केस दर्ज करेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने आज सुना बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप जी को सुना, अपने मुँह से इन्होंने कहा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, जोहर।